आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ईद स्पेशल पार्ले जी बिस्किट केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत झटपट बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई भी बना सकता है। पार्ले जी केक तो सभी बच्चों का बहुत फेवरेट होता है, तो मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। तो बस जब उसको केक बोलती मम्मा फटाफट बना दो, बस फटाफट कैसे बनाए। अच्छा, एक ही प्रश्न है महाराज, केवल कुछ लोगों की चिंता के कारण यम्मी यम्मी बनाया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। और जो वीडियो के नीचे लाइक का बटन होता है उसको जरूर क्लिक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। पार्ले जी बिस्कुट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है चार जार, उसके बाद कोकोआ पाउडर 2 चम्मच, शुगर, और ये मैंने लिया है 200 ग्राम का, 4 होते हैं उसमें बिस्किट का पैकेट। तो सबसे पहले हम इसको खोल ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी जार में डाल के, जो कोकोआ पाउडर है वो इसके अंदर मिला लेंगे। इसको हम अच्छे से ग्राइंड करने के बाद हमें छान लेना है, नहीं तो बिस्किट के जो टुकड़े होते हैं वो होंगे तो केक अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ मैंने छन्नी से छान के एकदम स्मूथ सब पाउडर बना लिया है। यहाँ हमने टिन लिया है, टिन को हमने ग्रीस कर लिया है और उसके बाद इसको मैदे डाल के डस्ट कर देंगे तो हमारा केक चिपकेगा नहीं। और आप चाहे तो यहाँ पे बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं, तो बटर पेपर नहीं था तो मैंने मैदे से ही इसको डस्ट कर लिया है। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा होगा उसको हमें निकाल देना है। उसके बाद हम यहाँ पे मैंने पीसा शुगर लिया है और उसको इसके अंदर मिला लिया है। अब मैं सारा जो पाउडर हमने इसका रेडी किया था उसको जार के अंदर हमने डाल लिया है और इसको हम मिल्क ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे पेस्ट बन गया है तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून जो है मैंने यहाँ पे चॉकलेट एसेंस डाला है। तो आप इस तरह का पेस्ट रेडी कर लें। तो इस तरह का पेस्ट रेडी करने के बाद इसको हम टिन के अंदर डाल देंगे और इसको टैप कर लेंगे ताकि जो बबल्स हैं वो निकल जाए। तो उसके बाद हम इसको ऊपर से चोको चिप डाल देंगे ताकि और भी अच्छा लगेगा देखने में। अब इस हमने प्री हीट कर लिया था माइक्रोवेव को पहले, और उसके बाद हमने इसको 30 मिनट के लिए 180 पे हमने इसको बेक करने के लिए रख दिया है। तो अभी रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं 3 मिनट बचा है तो मैंने चेक कर लिया है और कितने अच्छे से बना है ये, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे हमने एक बार इसको इस तरह से चेक कर लिया था, अब ये एकदम अच्छे से निकल रहा है ड्राई, तो मीन्स कि हमारा केक एकदम परफेक्ट हो गया है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसको टैप करके इस तरह से हमने निकाल लिया है। इधर हमने शुगर सिरप बना लिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं केक निकल गया है, कितना अच्छे से निकला है और स्पंजी भी बहुत अच्छा बना है और बहुत ही टेस्टी भी बना था। तो अब हमने शुगर और पानी को थोड़ी देर हमने इसको कर लिया था, उसके बाद इसके ऊपर डाल दिया। इससे क्या होता है कि हमारा केक मॉइस्चर हो जाता है तो केक और भी अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी हो जाता है। तो शुगर सिरप ज़रूर आप डाला करें केक के बनने के बाद। और फिर यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ऊपर से मैंने थोड़ा हर्षी सिरप से डेकोरेशन कर दिया है और ये मेरी बेटी का फेवरेट है हार्ट शेप, तो वो बनाया है मैंने। और फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा केक बनाने का तरीका? अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और फ्रेंड्स फैमिली में, और आप ईद पे बना के आप केक को खाइए और बताइए कैसा बना आपका। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। हैप्पी ईद ऑल ऑफ़ यू।